हाजी नईम साहब का जवाब सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैंने दोबारा पूछा, हाजी साहब क्या कहा आपने? हाजी साहब ने मुकम्मल इत्मीनान से वही जवाब दिया, मैं राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। मैंने बेख्तियार अपनी कनपटी खुजाई। हाजी साहब को मैं 20 साल से जानता हूँ, इंतहाई डिसेंट इंसान है, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है, नहायत खुश लिबास होने के साथ साथ नहायत शरीफ भी है, हमेशा से तालीम के हक में रहे हैं, माशाल्लाह 4 बेटों के बाप हैं। बड़ा बेटा लंदन में इंजीनियर है, दूसरा अमेरिका में डॉक्टर है और तीसरा कनाडा में पायलट है, जबकि चौथा बेटा राशिद पाकिस्तान में ही हाजी साहब के साथ रहता है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। राशिद पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादातर मोटरसाइकिल पर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, 2-3 दफा हवालात की भी सैर कर चुका है। पता नहीं क्यों हाजी साहब इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी पहलू तही कर जाते हैं। आज इत्तफाकन हाजी साहब से मुलाकात हो गई तो मैंने पूछ ही लिया कि आप राशिद को क्या बनाना चाहते हैं। हाजी साहब का जवाब मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। एक ऐसा बाप जो खुद भी तालीम याफ्ता हो और 3 बेटे भी बैरूने मुल्क नहायत पुरकशिश औहदों पर काम कर रहे हों, वो ऐसा जवाब दे तो चौंकना तो बनता है। वजह पूछी तो बेख्तियार हंस पड़े। यार उसकी बदमाशी की वजह से मेरे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। वैसे भी कम वक्त है तो आवारा, लेकिन सस्ते जज्बात उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैंने आंखें फाड़ कर पूछा, क्या मतलब? हाजी साहब दोबारा हंसे, देखो मैं तो ठहरा बुजदिली की हद तक शरीफ इंसान। बिजली का पूरा पूरा बिल भरने के बावजूद जब लाइट मैन मुझसे आकर मशकूक अंदाज में कहता था कि आपका मीटर क्यों आहिस्ता चलता है, तो मैं खौफजदा हो जाता था और कस्में खाने लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता। इस पर लाइन मैन और ज्यादा शेर हो जाता था और धमकी देता था कि अगर इसे कुछ पैसे ना दिए गए तो वो ऊपर शिकायत लगा देगा, जिसके नतीजे में ना सिर्फ मीटर कट जाएगा बल्कि लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। मैं हर दफा इसे बिला वजह खुश करने के लिए 2000 दे दिया करता था। इस बात की खबर मेरे छोटे बेटे राशिद को हुई तो इसने अपने अंदाज से लाइन मैन से बात की। फायदा ये हुआ कि लाइन मैन खौफजदा हो गया और अब जब भी आमना सामना हो तो सलाम करके चुपके से निकल जाता है। बाजार में एक दफा एक मोटरसाइकिल वाला गलत रुख पर आ रहा था, सीधा मुझसे टकरा गया और उल्टा मुझे ही गालियां देने लगा। राशिद मेरे साथ था, इसने मोटरसाइकिल वाले को 2 थप्पड़ लगाए और मोटरसाइकिल वाला बेख्तियार मेरे कदमों में गिर गया। तुमने देखा होगा हमारे हमसाये अक्सर अपनी गाड़ी हमारे घर के ऐन सामने लगा जाते थे। मैंने 1-2 दफा उनसे गुजारिश की कि ऐसा ना किया करे, क्योंकि फिर हमें गेट खोलने में परेशानी होती है, लेकिन इन्होंने उल्टा मुझे बुरा भला कहा और बात सही आई। राशिद ने एक ही दफा उनके दरवाजे पर जाकर कोई बात की, उसके बाद उनकी गाड़ी कभी हमारे घर के सामने खड़ी नहीं हुई। अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने कह कहा लगाया, तो गोया आप 3 बेटों को आला तालीम दिलवाने के बाद चौथे बेटे की बदमाशी एंजॉय कर रहे हैं। हाजी साहब खामोश हो गए, कुछ देर मेरी आंखों में देखते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़कर करीबी दुकान के थड़े पर बैठ गए और बोले, सच पूछो तो मुझे राशिद कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब एहसास होता है कि काश मैंने अपने सारे बेटों को ऐसा ही बनाया होता। मैंने जिस बेटे को भी आला तालीम दिलवाई वो मुस्तकबिल बनाने मुल्क से बाहर चला गया। मेरे 3 बेटे शादीशुदा हैं और अपने अपने घर बहुत खुश हैं, लेकिन मैं और मेरी बीवी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पढ़ी लिखी औलाद माँ बाप का फख्र तो होती है, लेकिन बाज़ औकात माँ बाप की किसी काम की नहीं रहती। हाजी साहब ने गहरी सांस ली, जेब से मुड़ा तोड़ा टिश्यू पेपर निकाल कर आँखों के गोशे साफ किए और टिश्यू पेपर दोबारा मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुद गर्जी के जमरे में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ राशिद अनपढ़ रहे। वो लफंगा और आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पैर भी दबाता है, कोई भी चीज चाहिए हो तो छट से ला देता है। ये बचपन से ही ऐसा था, इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम यही किया करता था। जब इसके 3 बड़े भाई तालीम हासिल कर रहे थे और किताबें खोले पढ़ रहे होते थे तो यही सब्जी लाता था, बड़े भाई अकेडमियों में चले जाते थे और ये तंदूर से रोटियां लाने का फरीजा सरंजाम देता था। मेरी गाड़ी भी यही साफ करता था, घर के छत वाले पंखे भी इसी ने साफ किए। इसे बड़े बड़े अल्फाज नहीं आते,
छोटी छोटी सी बातों पर मुझे हौसला देता है। फिल्मी अंदाज में डायलॉग मारता है कि अब्बू, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी दुआ है कि ये सेकंड ईयर में फिर फेल हो जाए, ताकि न कभी तालीम हासिल करे न हमें छोड़कर बाहर जाए। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ये बदमाश मरते दम तक हमारे साथ ही रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। हाजी साहब बेख्तियार जोर से हंस पड़े और मुट्ठी खोलकर एक बार फिर गीला टिशू अपनी आंखों पर रख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।